उत्तराखंड में भर्ती घोटाले पर क्या बोले प्रधानमंत्री। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है वायरल। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप जानते हैं सरकार में एक ड्राइवर की नौकरी चाहिए, प्यून की नौकरी चाहिए, क्लार्क की नौकरी चाहिए, प्राथमिक विद्यालय में टीचर की नौकरी चाहिए, तो भी सबसे पहले कोई पूछता है यार तेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे आ गए, लेकिन कोई जान पहचान नहीं होगी तो तेरा मेल नहीं बैठेगा। तुम कुछ भी कर लो यार, तुम कितना ही पढ़ाई कर लो, यहां तो वो गांधी जी चाहिए, गांधी जी। ग्रीन कलर की नोट पे गांधी जी की छवि होगी तब तेरा काम बनेगा। कुछ ये चल रहा था कि नहीं चल रहा था? हर चीज का दाम चलता था कि नहीं चलता था? भाइयों बहनों, मैंने भारत सरकार में निर्णय कर लिया, मुझे बताइए ये इंटरव्यू थे क्या चीज। जब वो एग्जाम देकर के मार्क ले आया है तो तुम 30 सेकंड में क्या इंटरव्यू करते हो भाई? इंटरव्यू आने वाला बैठता है, वो आता है, अच्छा अच्छा चलो आगे निकलो, आगे निकलो, आगे निकलो, हो गया क्या इंटरव्यू? यही चलता था। और फिर जो पैसे देता था उसको नौकरी दे दी जाती। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई उसमें है, हमने फैसला कर लिया सरकार, भारत सरकार में वर्ग 3 और वर्ग 4 में अब इंटरव्यू नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, मेरिट के आधार पर जिसका भी मेरिट होगा उसको नौकरी अपने आप मिल जाएगी, कोई जान पहचान की जरूरत नहीं होगी। हमने राज्यों को भी कहा कि हमने किया है तुम भी तो करो, लेकिन वो नहीं चाहते, उनको तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, अब थोड़े दिन है, जैसे ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ये काम उत्तराखंड में भी हो जाएगा। हम तो हैरान है साहब, हमारी तो लड़ाई ऐसी है, हम नोट घर में जमा करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, नोटे कपड़ में भर भर करके बैठे थे, बिस्तर के नीचे रखते थे, उस पर सोते थे, बताओ ये पैसा गरीब का है कि नहीं है? ये गरीब का पैसा लूटा गया कि नहीं लूटा गया? ये पैसा देश के खजाने में वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, 1,000 और 500 का नोट बंद करके अच्छे अच्छों के कपबोर्ड खोल दिया, लेकिन बेईमानों की आदत जाती नहीं।